नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किसान बुलेटिन में और मैं हूं आपके साथ फारूल यादव। चलिए दोस्तों एक बार नजर डालते हैं खेती किसानी और गांव से जुड़ी आज की बड़ी हेडलाइंस पर। जल्द हरियाणा और पंजाब में दस्तक देगा मॉनसून, दिल्ली NCR में लोगों को मिलेगी गर्मी से राहत। मध्य प्रदेश में खत्म हुई चना खरीदने और बेचने की लिमिट, अब जितना मर्जी उतना चना बेच पाएंगे किसान। 10 राज्यों ने केंद्र सरकार को लिखा पत्र, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को और 3 महीने बढ़ाने की मांग। जहां एक तरफ इन दिनों उत्तर भारत के लगभग सभी राज्य गर्मी की मार झेलने पर मजबूर हैं, तो वही बात अगर उत्तर पूर्वी राज्यों की करें तो वहां पर इस समय झमाझम बारिश हो रही है। लेकिन निजी एजेंसी स्काईमेट के अनुसार जल्द ही उत्तर भारत के हरियाणा और पंजाब सहित दिल्ली में भी मॉनसून अपनी दस्तक देने वाला है। दरअसल 24 से 26 जून के बीच मॉनसून इन राज्यों में भी पहुंच सकता है। तो वहीं भारतीय मौसम विज्ञान विभाग की माने तो 22 जून से 24 जून के बीच स्थितियां अनुकूल बनेंगी और इस दौरान उत्तर प्रदेश के कुछ हिस्सों और हिमालय के पहाड़ी इलाकों में मॉनसून का आगमन होगा। 25 जून के आसपास दिल्ली NCR में मॉनसून के आने की उम्मीद है। आपको बता दें कि मौसम विभाग के अनुसार इस साल मॉनसून सामान्य रहने की उम्मीद जताई जा रही है, जिसके चलते धान किसानों को फायदा हो सकता है। हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने प्रदेश में चना खरीदने और बेचने की लिमिट को पूरी तरह से खत्म कर दिया है, जिसके चलते अब प्रदेश के किसान जितना मर्जी चाहें उतना चना मंडियों में ले जाकर बेच सकते हैं। आपको बता दें कि इससे पहले अभी तक किसानों को केवल 25 क्विंटल चना बेचने की ही छूट थी, लेकिन अब किसानों को उनकी मर्जी के अनुसार चना बेचने की छूट दे दी गई है। साथ ही मध्य प्रदेश सरकार ने किसानों को समर्थन मूल्य पर चना बेचने के लिए 30 जून तक का समय दिया है। ऐसे में किसानों के पास समय ज़्यादा होने के साथ साथ कितना भी चना बेचने की खुली छूट मिल गई है। हाल ही में देश के तकरीबन 10 राज्यों ने केंद्र सरकार से प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के तहत बांटे जा रहे गरीबों को मुफ्त राशन की अवधि को और ज्यादा 3 महीने बढ़ाने की मांग की है, जिसकी जानकारी खुद केंद्रीय उपभोक्ता मंत्रालय मामले खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री रामविलास पासवान ने दी है। दरअसल लॉकडाउन शुरू होने के बाद देश में बिगड़ते आर्थिक हालातों को देखते हुए केंद्र सरकार ने 1.70 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की थी, जिसके तहत गरीब और जरूरतमंद परिवारों को 3 महीने तक मुफ्त राशन बांटने का भी ऐलान किया गया था। लेकिन अब हालातों को देखते हुए कुछ राज्यों ने इस योजना को आगे और 3 महीनों तक बढ़ाने की मांग की है। तो दोस्तों आज के किसान बुलेटिन की बड़ी खबरों में फिलहाल के लिए आप मुझे दीजिए इजाजत, लेकिन जाने से पहले अगर आपने अभी तक ग्रीन टीवी को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी इसी वक्त ग्रीन टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें, फेसबुक पर लाइक करें और साथ ही साथ इंस्टाग्राम और ट्विटर पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार। अगर आप चाहते हैं कि ग्रीन टीवी इसी तरह से किसानों को सशक्त करने के लिए कार्य करता रहे तो आप भी इसमें अपना सहयोग दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पर जाकर दिए गए लिंक पर क्लिक करें, पेटीएम करें, NEFT और क्रेडिट कार्ड के जरिए भी आप हमें सहयोग दे सकते हैं। अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर FB पर देख रहे हैं तो इसे लाइक करें और शेयर करें।